मैच के बारे में क्या ख्याल है, कोयटा जीतेगा या पेशावर? मेरे ख्याल से कोयटा, क्योंकि हमारे यहाँ से करीब है तो कोयटा, इसलिए कोयटा जीतेगा। जी हाँ। अच्छा सर, आपका क्या ख्याल है? उससे पहले मेरे कजन ने मुझे कहा था कि वसीम भाई से पूछना, आपका दोस्त है ना फहद मुस्तफा, उसके शो में जो गाड़ी लोग जीतते हैं वो असली में मिलती है सर? जाहिर सी बात है, मैं उसको ये बता दूंगा। कल का जो मैं लगा मुझे पासेस मांगने लगे जीतो पाकिस्तान के, नहीं वो तो मैं मेरे कजनों ने आपके पासों का बोला हुआ है। अच्छा जी जी, ठीक है। तो भाई जान, कोयटा या पेशावर क्या लगता है? कल मैं कहता हूँ कल कोयटा और पेशावर का मैच। जी सर, जी सर। तो कल जीत जाएगा पेशावर, पेशावर जीत जाएगा, पेशावर जीत जाएगा। सर लिख ले कल का मैच, वेस्ट इंडीज जीतेगा सर मैच, कोई नहीं रोक सकता उनको। कोयटा इतनी खतरनाक टीम है, मैंने देखा ऐसे बड़े बड़े, अल्लाह माफ करे यार, ऐसा लगता है मौत का फरिश्ता आ गया सर। कोयटा के पेशावर इनमें से बता दे, इनका मैच है? जी सर। बाबा पेशावर को दे दो, पेशावर को दे दो, ठीक है। आप बताएं सर कनान भाई क्या लगता है, कोयटा या पेशावर? वसीम भाई मुझे लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन होगा, लेकिन अच्छा। लास्ट मोमेंट में जाके कोयटा ग्लैडिएटर की टीम अपने नाम करेगी मैच। ओके सर, आगा साहब क्या लगता है? मुकाबला टफ होगा, जबरदस्त होगा। हाँ। वैसे आज आप एक क्यों नहीं करता, आप भी तो जरा करें, एक पेशेंट को ही देख। मेरी पेशेंट की क्या हैसियत इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, मैं कुछ भी कह, मैं कोयटा कह देता हूँ। चले कहने में चले, मैं आपके साथ जाऊंगा कोयटा की तरफ, तो फिर मैं पेशावर कर लेता हूँ फिर ऐसे। चलो अच्छा, पेशावर पे गए, डन, ठीक है। सर आपका क्या? मैं कोयटा। मेरा पेशावर। पेशावर, पेशावर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह खेलेगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको वहाब रियाज का खास तौर पर नजर आएगा। ओके सर, कोयटा। कोयटा मुशाब, आपका क्या? मेरा दिल चाह रहा है कोयटा। अच्छा ओके जी जी, और आपका क्या ख्याल है तनवीर? कोयटा। आपको भी लगता है कि कोयटा मैच जीतेगा? अब जनाब ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, इस मैच को ये वापस आ गया कराची की, ऐसा लग रहा है ना, यूनिट कहना गलत नहीं होगा। 12 गेंद पर बाकी, इस वक्त 50-50 हो गया, 50-50 पर आ गया है मैच। इमाद वसीम खड़े और कासिम खड़े, और 12 गेंदों पे 24 रन चाहिए, तो ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से हो गया। अगर ये दोनों खेलते रहे हाँ तो एक आधा बॉल पहले खत्म, फिर हो सकता है आज का मैच। अच्छा ओके, लेकिन दोनों का खेलना जरूरी है। सही है, ओके आखिर तक। तो अब ये है सारी की सारी सूरत हाल, कराची किंग्स इस मैच में वापस आ गया है। अब देखते हैं कि दो गेंदें, दो ओवर्स बाकी हैं, और कराची किंग्स को ये मैच जीतने के लिए 24 रन चाहिए। इस मौके पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और फिर हम देखते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बुशरा आपके साथ जरा गेम का आगाज भी करते हैं, तब तक मैच का रिजल्ट भी आ चुका होगा। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैन अल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।